हम 20,000 की भेज रहे हैं दोनों जी। और इसका ये जो रेड आईज ये मैंने डील लगाई हुई है सारे 2,000 रुपए के सारे दे दूंगा। गोल्डन पप भी है मेरे पास और ये ब्लैक पप भी। अच्छा और ये जो ये होगोनोमो का मेल है किसका? होगोनोमो मैगा शायद होम इकोनॉमिक्स का। हमने ये कहा ही नहीं कि आप क्या चोरी कर रहे हैं या नहीं वो उसकी क्या वजह तीन किस्म के बच्चे क्यों निकलेंगे? इसकी वजह ये है कि इसके साथ अगर आप रेड आईज माजी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीनों रात की हालचाल जी मैं ना साजिद तुसी देख रहे हो वाइड एंगल पंजाबी ते नाज़रीन अज मैं तुहानू जानवरों परिंदियां दा ऐसा सस्ता इतवार बाजार दिखाना वा कि जिथे मार्केट तो बहुत ज़्यादा घट प्राइस दे विच तुहानू जानवर परिंदे वो मिल जाएंगे। तो चलो जी उस मार्केट चल रहे हैं और चल के तुहानू विजिट करवाने और नाले तुहानू उत्थों दे परिंदियां और जानवरों के रेट भी लैके देने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम की ना जी? अली भाई ये दसो बड़े खूबसूरत तुसी ए परिंदे रखे ने ते इन्हां दे बारे सानू कुछ दसो कि ए की ब्रीड है और की नस्ल है इन्हों की और किमें पैदा होंगे ने सेल कर आए हो उत्थे मार्केट के खड़े हो तो सानू बारे कुछ दसो जी। सर कुछ क्रिमिनोज ने एक डकीनो है उस तो बाद जो रोजिकोली है एक पालरू स्प्लिटिनो फीमेल है। अच्छा जी ठीक है। जो क्रिमिनो डकीनो ने ना जो तुम आपस चलाते हो तो आंदा है क्रिमिनो डकीनो तो जो वाइट आइस को आएंगे ना अल्बाइनो रेड आइस वो आते हैं पॉसिबल ब्रूड। अच्छा जो क्लिक कर गए तो सारे बच्चे के ना है क्रिमिनो निकलो। क्रीमिनो की बड़ी खास नस्ल है कोई? हाँ जी बहुत खास नस्ल है इनकी कि ना है इनका एक रुतबा रह चुका है लेकिन उन नहीं हैगा। उन क्यों नहीं हैगा? उन इस वक्त नहीं हैगा मार्केट एक ही ए पीस पिछले साल में 28,000 रुपए का लेता था। अच्छा एक पीस के जोड़ा एक पीस। अच्छा इस साल ए पीस आ गया 3,000 पे। अच्छा ठीक है 3,000 हम सार की गल फैंसी हर अभी शर्ट लाया हो अभी जो बेचना है देखना है अभी ब्रीड कटवानी है हम अभी किसी तरीके ना तो पूरा करना है ना। अच्छा उन तुझा ला लो तुम 3,000 रुपये का भी कही तो अगला बंदा नहीं लैंदा शायद बीमार चीज देता पे देता असी रेट घट इस वालों रखे हुए हैं ताकि अगला बंदा जो न्यू फैंसी है ना वो चीज़ रखे उन्हें खुशी होवे अगों ब्रीड आए उनके दिल च रहे गल रहे कि भाई किसी ने शायद दिती सी हूँ असी यह रेट तो हम दे दी 8,000 रुपया ठीक है हम तो बड़िया अगों गलों गुला सुना के दे दी है अगों जाके ब्रीड ही ना करे तुझे दो करनी सू। अच्छा तोते यानी कि जो रखे ने उदो फायदेमंद होंगे ने जो ब्रीड कर रहे हो? हाँ जी यानी कि तुहाडे हिसाब नाल लोगों ने जाके कारोबार वास्ते रखे ने शौक वास्ते नहीं रखे? अजकल जो रह गया ना काम कारोबार च आया तो इस नहीं टेकिया। अच्छा कारोबार शौक च रहिंदा ना तो कदे ना टेकदा यकीन मन। अच्छा तो की इहनू किवें तुसीं ब्रीड किवें करवांदे हो सानूं दस्सो उहदे बारे कि पैदा होण तो लैके इत्थे तक किवें तुसीं इहनू लैके आउंदे हो? सर इस तरह सीन इस तरह हैगा जदों इह पेयर बाउंड हुंदा ठीक है ए जो अक्तूबर स्टार्ट होया या अगस्त अक्तूबर के दरम्यान इस टाइम सितंबर के दरम्यान ना इन्होंने बॉक्सिस ला दें ठीक है। अच्छा। बॉक्सिस ला के जोड़ा उस तो एक महीना पहले अं जो पेयर बाउंड करने तो एक महीना उन्होंने फ्लाई रखने खुले। अच्छा। उन्होंने बॉक्स नहीं लाते उस तो बाद कुछ इन्हों चीज़ा मिलदियाँ ने नैसटिंग वह पाने महीने बाद जो इकट्ठी करते हैं सानू पता लग जाता इन्ना ब्रीड का मूड हो चुके असी ला दें बॉक्स ठीक है। बॉक्स ना सू 90% जी है ना इनकी नैसटिंग कर देनी चाहिए आप। अच्छा उस तो बाद बाकी दी नैसटिंग अपने हिसाब ना करते हैं उनके उ नैसटिंग चो जी अभी पाई होंगी ना उनके चो उस तो बाद जोड़ा ना एक साइन होंगे वे जो नैसटिंग करना शुरू कर देंगे ब्रीड दे आने के। अच्छा उनके च जरूरी है कि तुम जोड़ा ना इन्हों कैल्शियम जो हों कैल्शियम पे का तुम सिर्फ मिलेगा 120-130 रुपये का होगा। अच्छा हफ्ते से दो बार इस्तेमाल कराना उस तो बाद छली जी होंगी वह इन बहुत ज़्यादा मुफीद है वो भी तुम्हें चाहिए हफ्ते एक दो बार उन्होंने खुआओ लाजमी कच्ची ठीक है। उस तो बाद इन्हों की एक सॉफ्ट फूड तैयार होंगी जी दाल वगैरह तो होंगी। अच्छा और दालों से जोड़ा एक विटामिन ई पैंती है ठीक है उस तो बाद जो कैल्शियम तो इलैक्ट्रोलाइट मिक्स करके ना रात में प्योती हैं सुबह इन्हों मिक्स करके वो पा दें उस तो बाद इन्हों पाई दे एग फूड वगैरह जो साढ़े को अंडे आ के बच्चे निकलना शुरू होते हैं हम बच्चे होंगे ना छोटे छोटे उन्होंने जोड़ा ना असी यह चीज़ नरम खुराक जी छेती लंघ जाए उनके ब्रैड के जोड़ा ना बॉयल अंडा करके उन्होंने जरा मिक्स करके चंगी तरह मिक्सर बना के वो खुआई उन्हें आंदा है एक तो बच्चे हेल्दी माशाल्लाह हो जाते हैं। अच्छा दूजा है एक उन्होंने ग्रोथ छेती हुई है और उन्होंने कोई कमी वगैरह नहीं रह गई। अच्छा अंडे किन्ने दिन बाद अंडे तो बच्चा किन्ने दिन बाद बंद मैक्सिमम 1 मिनट बाद 21 दिन बाद 1 मिनट बाद रात है जी 21 दिन बाद जेड़ा ना बच्चा निकल जाता है। अच्छा कुछ जोड़े होंगे ने जो थोड़ा जहा टाइम लाई जाते हैं। अच्छा। कुछ जोड़े होंगे कुछ छेती भी करते हैं लेकिन। अच्छा। जो छेती वाला ना वो बच्चा होंगे कमजोर पैदा। अच्छा कुछ ज्यादा सरवाइव नहीं करता। अच्छा 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 ते की इन्हू करना पैंदा वे मतलब एहतियाती तदाबीर की होंदिया ने? एहतियाती तदाबीर यही है कि इन्हू गर्मी तो जो दूर रखना ज्यादातर। अच्छा ठीक है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਸ ਚ ਏਸੀ ਉਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਉਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਮਰੇ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇ ਤਾਂ 12 ਵਾਟ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਏ ਜ਼ਾਇਰ ਖਾਂਦੀ ਏ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਰੂਫਿਨ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੈਜਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰੂਫਿਨ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਤ ਸੁਸਤ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਜਲ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਪਏਗਾ ਅੱਛਾ ਸਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਗ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਐਗ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟਿਕ ਦੀ ਵਿਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟਿਕ ਦੀ ਵਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡੈਡ ਇਨ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਟਾਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੀਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕੇਗਾ 3,350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਰਿਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਲੋਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 03154161618 ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਗੋ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜਜ਼ਾਕਲਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਹੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐ 4 ਪੀਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਐ 4 ਪੀਸ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਟਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਕਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੋਤੇ ਆਪਕੇ ਹਨ ਜੀ तो मुझे इनके बारे में बताएंगे ये कौन सी नस्ल है और क्या इनकी ब्रीड है और प्राइस क्या है इनकी आप यहाँ पे सेल करने के लिए आए हो जी चलो बताओ जरा हमारे इनके बारे में कॉकटेल है कॉकटेल वाइट इनो का पेयर है एक कॉमन वाइट का एक अपना वाइट इनो का और एक ग्रे का है अच्छा, एक ग्रे का पीस अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ ये कॉकटेल क्या होता कॉकटेल ब्रीड है एक पेरिड है समझ लो ब्रीड है एक क्या इसकी पहचान क्या होती है ये आप देखे ना इसके सर पे ताज है और ये लॉन्ग है अच्छा 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 ये ताज होगा ये वो कॉकटेल है ये इसमें एक आता है रेड आई अच्छा एक कॉमन वाइट ये कॉमन वाइट का पेयर है अच्छा, और ये वाइट इनो का पेयर है और ये ग्रे का है मेल अच्छा, है रेड आईज क्या उसकी आंखें लाल होती हैं जी उसकी आंखें लाल होती और कॉमन आपने वो जो बताया वो क्या कॉमन वाइट का पेयर है कॉमन वाइट का उसकी क्या खसूसियत है वो येलो है बस उसमें ये येलो पेयर है और वो वाइट इनो का कोई कुछ लोग ये सस्ता है थोड़ा वो थोड़ा एक्सपेंसिव है अच्छा जो बिल्कुल प्योर वाइट है वो थोड़ा महंगा है कितने का है वो 6,000 का है अच्छा और ये जिसका जिसमें येलो कलर है वो 4,000 का पेयर है वो 4,000 का तो आप ये सारी ब्रीड खुद ही करते हो ये घर के पेयर है घर के पेयर हाँ। अच्छा आप तंग आ गए उनसे बेचने आए हो नहीं नहीं और भी हैं केज का मसला बड़ा था इसलिए सेल कर रहे हैं अच्छा चलो फिर अपना नंबर बताओगे अगर किसी ने लेना हो तो फिर आपसे वो कॉन्टेक्ट कर ले 0329-7532-744 अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम की नाम बेटा अवैस अवैस बेटा बड़ियां खूबसूरत बिल्लियां फड़ियां हैं तुसी ਇਹ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ 16,000 ਰੁਪਏ ਪੇਅਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਬਿਮੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਬਰੀਡ ਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮੇਲ ਲਗਵਾਦੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਮੇਲ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਲਗਤਾ ਆਪਕੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਹੀਟ ਪੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਕੋ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅੱਛਾ ਤੋ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਿਡੋ ਲੇਟਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸਕੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮੇਟ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਨਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਭੀ ਹੈ 10 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈ 10 ਹੋਰ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੀਅਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੈ ਇਸਮੇ ਵੀ ਹੈ
डबल आइस क्या होता है? एक आइस ब्लू कलर की, एक ग्रीन है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये डबल आइस नहीं है? नहीं ये ब्लू में है। इनका नाम क्या है दोनों का? नाम नहीं रखा है, अभी छोटे हैं। अच्छा छोटे हैं, तो ये अभी दूध पीते हैं कि खाना खाते हैं? खाना खाते हैं, चिकन चिकन खाते हैं। तो ये तो अभी बच्चे हैं यार, माँ का दूध छूद इनका कैसे छुड़वा? नहीं नहीं, 14 डेज के बाद मदर फिट पूरी हो जाती है। अच्छा 14 डेज के बाद आप इनको छुड़वा सकते हैं दूध? जी। अच्छा तो अभी ये एक बच्चा ये वाइट वाला, इसकी कीमत क्या है जी? 9,000 रुपये है। 9,000। और ये जो दूसरा, इसका भी 9, आपके रेफरेंस से आएगा, दोनों का 16,000 रुपया हो जाएगा। माशाल्लाह यार, ये तो आपका प्यार है। बाद में फिर आपने अभी अपना नंबर भी देना, लेकिन उससे पहले हम ये जरा बिल्ली की ये देखें, ये जो ये तो वाइट है, इसको क्या कहते हैं? इसको भी पर्शियन। इसमें 3 शेड हैं, एक कलर की नहीं है। अच्छा 3 शेड कलर की भी है, अभी इनमें शेड आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक ही माँ के बच्ची हैं कि अलग अलग हैं? ये अलग माँ का बच्चा, ये अलग अलग माँ का बच्चा। चले अपना नंबर बताएं, अगर कोई आपसे लेना चाहे तो फिर इंशाल्लाह वो आपसे ना कॉन्टेक्ट की। 03-25-945-0985। बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नौरीन आरिफ है। बेटा मुझे ये बताएं कि आपने ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ये सेल के लिए हैं? जी ये बेचने के लिए लेके आए हैं आप? बिल्कुल सेल के लिए। तो आप हमें इनकी नस्ल के बारे में, इनकी ब्रीड के बारे में कुछ बताएंगी? ये फैंसी ब्लैक पब हैं और ये बहुत नायाब नस्ल होती है, और ये इसमें सबसे बड़ी ये इन क्वालिटी है कि ये अल्लाह ताला की एक खास किस्म की ये नस्ल है। हाँ जी वो तो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये नायाब है और ये कुड़ंग पे नहीं आती। अच्छा, आपके पास जो देसी मुर्गी होगी उसके इसके अंडे होते हैं जो ये अंडे देती हैं जी। और ये मैक्सिमम जो है ना 15 से 20 अंडे देती है, फिर 15 दिन की कुड़ंग लेती हैं, वो तभी अंडे रोक लेती हैं। उसके बाद इनके अंडे जो होते हैं ना वो आप इनके ये ब्रीड ले सकते हैं, और इनके अंडे जो हैं आप दूसरी देसी मुर्गी के नीचे आप रख के इनके बच्चे निकलवा सकते हैं। अच्छा ये खुद अपने बच्चे पैदा नहीं करती? नहीं। इसकी क्या वजह? ये अल्लाह ताला की एक खुदादाद सलाहियत है, इनके पास नहीं है मेरे कुदरती अमल है, कुदरती फितरी अमल है कि ये खुद कुड़ंग पर, इसीलिए ये क्योंकि इसीलिए इनको ये कहते हैं कि ये नायाब नस्ल है। अच्छा अच्छा। तो ये आप सेल करती हैं, इनकी ब्रीड लेती हैं? जी जी बिल्कुल। आप शौक करती है? एक मुझे शौक है, मेरी एक शौक की बिना पर मैंने इनको रखा हुआ है, मुझे पसंद है इसलिए मैं इनको, गोल्डन पप भी है मेरे पास और ये ब्लैक पप भी। अच्छा, और ये जो मुर्गियां हैं ये पाकिस्तान की हैं या किसी और कंट्री की हैं? नहीं नहीं, ये बाहर के मुल्क से हैं। अच्छा बाहर की है ये मुर्गी। ठीक है, तो जब ये बीमार शिमार होती हैं, कोई इस तरह का ऊंच नीच हो, तो फिर आप इनका इलाज भी खुद कर लेती हैं, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है? नहीं, हम खुद ही करते हैं। इनको अजवाइन और गुड़ और लहसुन इनको और अदरक पीस के वो इनको दें, देसी नुस्खे घर में अप्लाई करें, इनको डॉक्टर के पास मत लेकर जाएं। उनसे इनका अगर जो सांस की बंदिश होती है, जो इनके अंदर लंग्स में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो उनसे फ़ौरन ये एक्टिवेट हो जाती है। तो आप कैसे पता लगता आपको कि ये बीमार हो गई? ये ढीले पड़ जाते हैं फ़ौरन उसी वक्त, लेकिन ये अगर आपके साथ, अगर आप इनको अच्छा खाना दे रहे हैं डेली बेस पे, इनको थोड़ा सा प्याज या लहसुन काट के भी साथ दे दें, ये कभी भी बीमार नहीं होते। ये इनकी एहतियाती तदाबीर? जी जी, एहतियाती तदाबीर ये है कि आप इनको गुड़ का पानी और लहसुन और अदरक का जो है ना वो पानी इनके खाने में कभी कभी शामिल कर दें। अच्छा बेटा, आप इसको यहाँ पे रख के सेल कर रहे हैं, तो मार्केट में भी इसकी प्राइस यही है कि वहाँ पे थोड़ी सी कम होगी? सर इसकी मार्केट में प्राइस तो 15 मतलब कि ये 25,000 में सेल हो रहे हैं। अच्छा। और हम इसको 15,000 में सेल कर रहे हैं अपने नाजरीन के लिए, अपने प्यारे जो बहन भाई जो इसका शौक रखते हैं, क्योंकि मैंने भी शौक के लिए पाले थे, तो जो शौक रखते हैं उनके लिए। तो बेटा आप अपना नंबर बताएं, अगर कोई लेना चाहे तो फिर 03-200-21-45-730। आप ये इसको होम डिलीवरी देंगी या लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा? हम होम डिलीवरी भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान बेटा, ये बिल्लियाँ आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पकड़ी हुई हैं, तो आप हमें इनके बारे में बताएंगे कौन सी नस्ल है ये और कितने की है ये? ये पर्शियन नस्ल है, ये ट्रिपल कोट में और ये सिंगल कोट में है, ये हम 20,000 की भेज रहे हैं दोनों। जी तो ये बड़ी बिल्लियाँ बिक जाती हैं? जी। अच्छा, तो ये तंग तो नहीं करती दोनों? नहीं नहीं। तो एक मेल फीमेल है या दोनों मेल हैं? मेल फीमेल है। पैर मेल फीमेल है। फीमेल इसमें कौन सी है? ये वाली फीमेल। ये मैंने पकड़ी है शरारती सी बिल्ली, ये फीमेल है जी। और वो मेल है जी। आईज है और इसके गोल्डन आईज है। अच्छा, तो आप टोटल कितने का? 25,000 रुपए का बेच रहे हो? 20। अच्छा 20,000 का बेच रहे हो। तो आपके पास इनके बच्चे बुच्चे भी हैं? नहीं, अभी ये 7-8 मंथ के खुद है। अच्छा, ये 7 मंथ के खुद है दोनों जी। तो अगर ये बीमार शिमार हो जाए फिर क्या करते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन हुई हुई वैसे। अच्छा, ये वैक्सीनेशन हुई हुई है इनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बिल्ली है। ओ मेरा बच्चा बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा जी, छोटा बच्चा। एक मिनट ठहरो जी, एक मिनट ठहरो। बिल्ली ने वालों वाल बन कर देता है, लेकिन गल ये कि बिल्लियाँ ना मनु पसंद बढ़िया ने, इस तौर मैं गोदी चुक के जरा ने वाला इंटरव्यू किया जी। इधर देख बेटा, इधर देख बेटा, अपना कोई नंबर बताएं आप।
03249420149। अच्छा, अगर हमारे चैनल देख के आपके पास कोई आएगा तो उसको आप कोई डिस्काउंट करेंगे? जी। कितना डिस्काउंट करेंगे? 18 का दे देंगे। लो जी नाजरीन, अगर तुसी साडा चैनल देख के इन्हां नूं फोन करोगे या ना कोई जाओगे बिल्लियां खरीदना से तुहानूं 2000 रुपए का डिस्काउंट देगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? हसनैन। हसनैन भाई, आपने माशाल्लाह जी मुर्गियां पकड़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी, सेल करने के लिए लेके आए हैं? जी बिल्कुल। तो क्या प्राइस है इनकी, नस्ल क्या है? प्राइस आप बाद में बताइएगा, पहले इनकी नस्ल बताइए, ब्रीड बताइए। देसी मिश्री स्टार्टर मुर्गी है, 7.5 माह इनकी उम्र, अंडे देने वाली। अच्छा, अंडे देती हैं? अंडे देती हैं, देसी अंडे देती हैं जी बिल्कुल। अच्छा, आप इनकी ब्रीड खुद करवा रहे हैं कि आप बाजार से लेके यहाँ पे सेल कर रहे हैं? नहीं, मैंने चूजा लिया था तकरीबन 150, मैंने खुद पाला, उसके बाद 150 चूजा लिया था। तो माशाल्लाह कहाँ पे रखा, गर्मी इतनी जगह थी? हाँ जी, मेरा प्लॉट है वहाँ पर रखा हुआ। अच्छा, तो सारे बड़े हो गए हैं कि कोई अल्लाह को प्यारे भी हो गए? सारे लेवल है। अच्छा, अल्लाह को प्यारे भी हुए हैं, आज भी एक मुर्गा सुबह मैंने हलाल किया उनमें से। वो तो खुद कर लिया ना, वो तो हलाल है। वैसे कोई बीमारी शिमारी कोई चक्कर ही नहीं, यार डाइट अच्छी दें। अच्छा, बीमार नहीं होते? तो अगर खुदा ना खासा बीमार हो जाए तो फिर क्या करते हैं? बीमार हो जाए मैं हलाल कर लेता हूँ। अच्छा, यानी कि ठीक नहीं करते? नहीं, वो कोई ना चीज बनाने लग पड़ी अपनी। हाँ जी, अपनी। तो अब ये तो होते नहीं बीमार, क्योंकि मैंने रखे हुए खुले प्लॉट में, मेरा 10 मरले का प्लॉट है, मैंने इनको खुला छोड़ा हुआ है। अच्छा, वो नेचुरल डाइट के ऊपर है, ये नहीं कि फीड वगैरह मैं नहीं दे रहा इनको। अच्छा। दाने के ऊपर पालता हूँ, आटा जो रहता है गूंद के वो डाल दिया, सब्जियों के छिलके वगैरह डाल दिए, जैसे पालक वगैरह कुतर के डाल दिए, वो उन चीज़ों पर मैंने रखा हुआ है। अच्छा, कोई बिल्ली से रिश्तेदारी इनकी? मारती हैं बिलियों को, मारती हैं बिलियां ने मारती हैं बिलियों को, पड़ जाती हैं। अच्छा, पड़ जाती हैं? हाँ जी, मैं खुद पकड़ूं तो मुझे भी कई दफा पड़ जाती हैं। अच्छा अच्छा, वो दौर चला गया जो बिल्ली मुर्गी डरती थी बिल्ली को? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो इनकी प्राइस? अच्छा, आपने पिंजरे में कैद करके रखी हुई हो ना, आपने खुद डरा के सहम कर मुर्गी को रखा हुआ हो, तो वो फिर बिल्ली से डरती है। अब इनको यहाँ छोड़ो, ये पकड़ी नहीं जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये एक तरीका है कि अगर आप मुर्गी को खुला छोड़ दो वो फिर डरती नहीं है, मुर्गी एक्टिव होनी चाहिए आपकी। अच्छा अच्छा, तो ये आपने पकड़ा, मेल फीमेल है? दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल अंडे देती हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अंडे दिन में देती हैं? एक दिन में एक अंडा देती हैं। एक दिन में एक अंडा, यानी कि 150 मुर्गी टाइट को 150 अंडा डेली आ जाता है? तो आज भी मैं 20 लाया था, 20 अंडे यहाँ पे हो गए थे। अच्छा माशाल्लाह, बैठे बैठे अंडे दे जाता, जगह नहीं, रोज हथा लाया करो, रोज नहीं इतवार के इतवार लाता हूँ लाया था। बाज लोग तो देख के अंडे देख के लेके गए हैं कि यार ये भी इन्होंने अंडे दिए हैं। अच्छा अच्छा, और बाज रैम करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई तुम अंडे साथ वैसे लेके आए। अच्छा अच्छा, तो अंडे दे दिए उनको साथ के, अंडे अपने पास रख लिए? अंडे लैदा एक बंदा ले गया था। अच्छा, अंडे एक बंदा लैदा ले गया था। क्या प्राइस है इनकी? इनकी 1700 रुपये में। 1700 रुपये की एक मुर्गी है, तो मार्केट में कितने की मिलती है ये? मार्केट में भी यही रेट है, जिसकी मुर्गी उसका रेट है, कोई 2100-2200 में भी दे रहा है, कोई 1200-1300 में भी दे रहा है, जिसके अंडे अब एंड हो गया दे देंगे। अच्छा, कोई बिल्कुल चूजा दे रहा है 1100-1200 रुपये में, जिसने भी 3-3, 4-4 महीने लगाने हैं। अच्छा, ये टाइम होता है इनका अंडे देने का कि इतना टाइम ही अंडे देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे? ये तकरीबन 1 साल अंडे देती है, 1.5 साल बाद फीड के ऊपर ज़्यादा भी चला लेते हैं, वो मुर्गी का बुरा हशर हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरी स्टार्टर मैंने कहा था कि मैं अंडे लूँगा फिर इसके बाद सीजन निकाल के बेचूंगा, पर फिर मैंने कहा साथ साथ ही देते रहो, फिर बाद में एंड टाइम के ऊपर एकदम से इतनी ज़्यादा बल्क में बेचना, वो फिर रेट नहीं अच्छा मिलता। अच्छा, आप यहाँ पे 5-6 ले आते हैं तो फिर यहाँ पे सेल हो? मैं तकरीबन 15-20 लाता हूँ। अच्छा, 15-20 ले जाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्राइस क्या जी? 1700 रुपये। अच्छा सॉरी, 1700 रुपये प्राइस है इनकी। अपना नंबर दें नाज़िम को बताएं। 03204898055। अंडे चाहिए होंगे अंडे मिल जाएंगे, मुर्गा मुर्गी चाहिए होंगे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। होम डिलीवरी फ्री देंगे कि लेके? अच्छा, कार्गो, पैसे कस्टमर खुद ही देगा? पैसे उसके कस्टमर खुद ही देगा। कोई नाज़िम तुहानू लाइव सौदा दिखाइए जी मुर्गी का, उन्हें से इंटरव्यू किया है लेकिन लाइव सौदा हो लगा, वो भी तुहानू दिखाने हैं जी। क्योंकि मैं देखे ना, एक लोग पालते हैं फीड के ऊपर, मैं फीड नहीं देता हूँ, मैं अंडा और सब्जी और नेचुरल डाइट के ऊपर देता हूँ। जो नेचुरल डाइट देता है उसका एक महीने के अंदर ही तकरीबन फीफी मुर्गी पे 500-500 लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की है, मैं जो बंदा देता है ना फीड वाली मुर्गी और लोकल बर्ड जो होता है, मतलब जिसके अंदर इन्फेक्शन है, सीधी सी बात है, वो लोग बड़े हंस हंस के लेते हैं। जो नेचुरल डाइट जिसने पाली है उसको आगे लोग कहते हैं कि यार ये हमें मुफ्त का देते, जैसे चोरी का माल लेके। नहीं नहीं नहीं, सौदा होगा आपका, सौदा होगा जी। तो हमने ये कहा ही नहीं कि आप क्या चोरी का लेके आए हैं, या नहीं, वो मिसाल दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कस्टमर आता है इस तरह का। हाँ जी हाँ जी, वो होता है किसी का होता है, लेकिन ये भाई साहब तो मेरा ख्याल लेंगे, क्या रेट लगाया जाए साहब ने? मैंने अंकल को 1700 कहा, अभी अंकल की मर्जी आगे क्या कहते हैं। तो सोई जाना सौदा कराइए, आज सब कुछ छोड़ दियो, यही मुर्गी का सौदा करावांगे जी। तो जी पैसे निकलने लग पे ने जी, कैश होने लगा, बयाना होने लगा, बयाना होने लगा, उनके बजट के हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल दिखाएगा? लगता नहीं बात नहीं, नहीं होने, नहीं होने पैसे, सारा पैसे नहीं होने जो, नहीं जी सौदा नहीं बन सके। नंबर नंबर दे, नंबर दे जी अपना। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुर्रहमान। रहमान बेटा, आपने ये तोते माशाल्लाह बड़े खूबसूरत रखे हुए हैं, इनकी नस्ल क्या है बताएंगे जरा? जी बता देता हूँ, ये जो है ये येलो कलर में, ये होगोनोमो का मेल है। किसका? होगोनोमो मैं का, शायद होमिकोनोमिक्स का। अच्छा, इसकी फीमेल सुबह उड़ गई थी। अच्छा, उड़ गई है, यहाँ पे नुकसान हो गया यानी कि? अच्छा, ये खाली मेल रह गया, अगर किसी भाई को ये मेल चाहिए तो उसको मिलेगा 400 का मेल। क्या फायदा क्या इस मेल का? ये भी तो साथ बता देना। ये फायदा कि इसके रेडेस बच्चे निकलेंगे। अच्छा, साथ में इसके होगोनोमो के बच्चे निकलेंगे। अच्छा, क्रश के बच्चे भी निकलेंगे, तीन किस्म के बच्चे निकलेंगे इसके। वो उसकी क्या वजह, तीन किस्म के बच्चे क्यों निकलेंगे? इसकी वजह ये है कि इसके साथ अगर आप रेडेस मादी लगाते हैं तो उसके साथ रेडेस बच्चे, ग्रे, मतलब हर रंग के बच्चे निकलेगा। अगर आप साथी मादी साथ लगाते हैं, मतलब होगो की भी ना हो, बस खाली बजरी की मादी हो, फिर ये बच्चे निकालेगा खाली होगोगे और सादे बच्चे निकालेगा। इसकी ये वजह। बजरी क्या होता है? बजरी होता है सादा पीस। सादा पीस, ये वाइट वाला? वाइट कलर का जो है, इस तरह का होता है, ग्रीन कलर का होता है, सिंपल ग्रीन। अच्छा, उसका सिर्फ कलर ग्रीन होता है जी, वो मेरे पास पड़ा होगा शायद। अच्छा, ये पड़ा हुआ, लेकिन ये कलर इसका चेंज है, इस तरह का होता है सिर्फ ग्रीन कलर का। ये वाला होता है, ठीक है। ये बजरी है? ये बजरी है। अच्छा, ये कितने का? ये आपको मिल जाएगा, आपके व्यूअर्स को 1000 रुपए का कह रहे हैं, 800 का फाइनल मिल जाएगा। एक पीस, एक पेर पेर मिलेगा, 800 रुपए का मिल जाएगा। और इसका जो रेड आईज, ये मैंने डील लगाई हुई है, सारे 2000 रुपए के सारे दे दूंगा। सात पीस है, एक साथ देना डैमेज पीस है, आपको दिखाता हूँ, वो फ्री दे दूंगा साथ। अच्छा, ये सात पीस 2000 रुपए के हैं जी। ये डैमेज पीस है, ये भी रेड आईज है, सारे रेड आईज। क्या हुआ डैमेज को? क्या हुआ इसकी? ना टांगे टेरियम जो पैदा ही ऐसे हुआ था, अंडे में से ऐसे हुआ, अंडे में से ऐसे निकला है। अच्छा अच्छा, ये आप साथ फ्री दे देंगे? फ्लाइंग फ्लाइंग सब कुछ ये फ्री दे देंगे साथ। चलो बेटा, अपना नंबर बताएंगे आप? नीचे ही पड़े हैं। अच्छा, नीचे भी हैं, और नीचे भी दिखाओ, जो भी दिखाओ। ये जो पेयर है इसके बच्चे हैं सारे। अच्छा, वाइट बच्चे हैं, दो बड़ी ब्रीड इसने की है, इसके सारे बच्चे हैं। ये पेयर अगर किसी भाई को चाहिए उसको मिलेगा 1500 रुपये का फाइनल, 1 रुपया भी कम नहीं इसका, ठीक है। और ये मिलेगा 800 का फाइनल। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 03224502579। इसके अलावा मेरा लोकेशन मेरे जनरल हॉस्पिटल की है, और इसके अलावा और कोई बर्ड चाहिए आपके व्यूवर्स को चाहिए हो, कुछ भी लव बर्ड, डकिनो, क्रीमिनो, डकिनो, इसके अलावा ग्रीन फिशरी, ब्लू फिशरी, कोई भी चाहिए हो पेयर भाई को जाना मिल जाएगा हमारे पास से। नंबर मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा मेरा एक चैनल है बर्ड्स किंग प्लेसेस, वो जाके सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।